चिराहा जिल्लामा किसानहरूको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड लाहानमा धान बेच्न लाइनमा रहेका किसानहरूको समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्न राष्ट्रिय कृषक समूह मध्य प्रदेश कार्य समितिद्वारा धान कोटा थप गर्न माग गरेका छन्। मङ्गलबार लिमिटेडको कार्यालय लाहानमा कार्यालय प्रमुख रमन कुमार यादव र कृषक समूह बीच छलफल भएका थिए। एक किसानकै 15 क्विन्टल नेपाल सरकारके नीति कार्यान्वयन तहमे जे एक्टिभिटी है ओकरा आइके दिनमे जे चुनौती करै बिचौलिया ओहिके मद्देनजर राखिके नीति बनबऽ पड़तै। महासंघ जे नीति नहि है तकरा नीति बनबैके लागि करऽ पड़लै। आ ये तऽ प्रश्न नेपाल सरकारके नीति बनि गेलै जे किसानलाई धान किसानको बजेट हो किसानलाई धान खरिद गर्न के प्रक्रिया अवलम्बन गर्दाखेरि सूर्य शाहको नेतृत्वमा कार्यक्रम कार्यविधि बनाउने तब अखनो 50 क्विन्टल हमसब सीडीओ साहब के बोला के महासंघ एकदम जोरदार एकदम तहगत पैरवी कर रहा है वही अंतर्गत आइयो है हम रहो दिन हमारा सबसे बड़का बात कथी लगल है कार्यालय 17 गते के लागि धान खरीद के लागि आह्वान कल 17 गते से यार्ड में लगाओ कह बिचौलिया की कल 4 दिन पहले गाड़ी लगा दिल के ये तो प्रश्न देखा है ना कोनो भी किसान 4 दिन पहले गाड़ी भाड़ा में लाइन के लगा होते 15 गते से आके लाइन में जे शुरू कर देने रे नहीं 15 कहूं ना 16 गते रात 14 गते रात से लागल है 14-15 नहीं 15 नहीं 14 से हमरा ये रिपोर्ट जे 14 गते से लागल है सर ये धान 14 15 16 17 4 दिन पहले एकटा किसान केला गाड़ी में भाड़ा लगाते उ तो पक्के बिचौलिया है व्यापारी है जे उ कागज बना के अइजा सब दिन हाली मोहाली के अहाँ सब राजनीति प्रतिनिधि सरकार वाला नहीं तो कार्यक्रम में रोक पड़ल गलत आदमी के धान खरीद कर हम सब नहीं देवे नहीं देवे नहीं देवे बहुत बढ़िया बात है लेकिन आप नहीं ऊपर बटा गया ले नहीं तो ककरो संपत्ति तो नुकसान नहीं भगा ले हमर माने पहले सुनियो कूपन आके के नाम बटा गेले किसान के बटा गेले धानर को 15 आ गया जते कूपन बटा गेले ओकर खरीद सुरक्षित है उनका एक ही ना बात कर दी करबले जे भी कूपन बटा गेले ओकरा अपन वही वार्ड से प्रमाणित कर के लावा पड़े वो आदमी साचे धान अति के ने है किसान के धान है तो अपन वार्ड से वार्ड के सिफारिश लगा एक टा प्रक्रिया अवश्य राख पड़े अब रहले बात सर बहुत ही शानदार भी तो द्वारा कर दिए एकरा कनी सहज से कैल जाए समय पर कोनो चीज कैल जाए छे हमरा आके दायित्व तो बनल है ने सीडीओ साहब कैला एसपी साहब कैला आहा कैला हम कैला जे व्यक्ति के प्रतिनिधित्व करे छे ओकर हक में चाहे वो इमरजेंसी अवस्था में हो या सहज अवस्था में भूमिका खेलिए ना हम आ जाइए संकट ये लेते ना हम आ सब कोई खड़ा थी जा तो आई के संकट के निकास हमरा आके दायित्व तो है निकाल पड़ते जब आहा ओकर लाइन में गाड़ी छे 4 दिन आहा कथि बुझ जाय के निर्णय करू आहा के कोई 1 मिनट निर्णय छ तुरंत के तुरंत हमरा त अति बढ़िया निर्णय कर जी तब त सब घारो भगत भोर से बजेत 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 सांग के परेशानी है एकदम रिपोर्ट टेरिटरी देखियो बिचौलिया मुंह किला दे तो इससे आई थिंक उसका तो नहीं कहो कल तक तो इससे चल शाम तो आई भोर के एक लोट काम भेल छ अपन खाना से रमन सर अपने के जे सकारात्मक भूमिका प्रति महासंघ एकदम आहा के धन्यवाद देने है लेकिन आहा के हम कति आहा नहीं डग मगाव माने हमहू सब कोनो प्रक्रिया में एकटा कति होय छे अपन बात मात्र लाद ल कि तई में हम नहीं छी फिर के अपन कोन तरीका से बेचबे की करबे उ सब आज छुट्टी अपन प्रक्रिया मिलो हमरा सब के धान फेंट के संस्था भी चाहे छे इस बारे में चाहे छे संस्थान के मंत्रालय से नहीं बोला मतलब लगभग 70-80 करोड़ रुपया ऐसे से सब सरकार नहीं देने छे इस बारे अभी हमरा सब के अपने धारो भेल छे सरकार के नहीं देने छे हमरा के लाइट दे छे की आज लगाए में अखन तक में छे 37 करोड़ टका तो गत साल के नहीं देने छे इस साल के देते कि नहीं देते वो अनियम छे बुझलिए ने एहन अवस्था छे हमरा सब के छे से संस्थान अब हाथ उठे छे जे हमरा सब के धान धीरे धीरे आप लोग सर बाटू कते के बाटू में 500 के बाटू में कि 200 के बाटू में कि 300 के बाटू में पूरे तीनों जिला के बाटू आ जाता है तो किना ताता पड़ो हम सब में तैयार छी हम एहन आदमी छी सब में तैयार छी बाटू की करू।